आदरणीय बहन जी की प्रेरणा से मंच पर उपस्थित माननीय पूर्व मंत्री नकुल दुबे साहब, अरुण दुबे साहब, बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार व कद्दावर साथी राकेश सोनकर साहब, एवं आगामी बनने वाली नई बहुजन समाज पार्टी सरकार के मुख्य सूत्रधार आप सभी साथियों को सादर जय भीम। चार महीने बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और ये पूरी उम्मीद हमसे ज्यादा आपको होनी चाहिए कि बनने वाली सरकार के आप मुख्य सूत्रधार होंगे, होने चाहिए। इसी प्रायोजन से यह बैठक आज आयोजित की गई है। आवाज आपको पहुंच रही है पीछे तक? हमको थोड़ा सा यहां से ऐसा लग रहा है, चूंकि जुकाम और फीवर भी है। साथियों, मंच पर बैठे वरिष्ठ जनों का आदेश लेकर आगे की बातचीत प्रारंभ करते हैं। और बातचीत प्रारंभ करने के पहले आप लोग बहुत सहज महसूस करें, बहुत कंफर्टेबल महसूस करें, परिवार महसूस करें, घर महसूस करें, इस बात के लिए आपसे ये जरूर कह देते हैं, किसी की ट्रेन है, बस है, साधन है, बहुत निश्चिंत होकर इत्मीनान से बैठिए। अभी 3:30 बजे हम साहब के घर पर थे। अब आप मानवेंद्र के नेतृत्व में काम नहीं कर रहे हैं, अब आप बहुत बड़े बैनर गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ों, सर्व समाज के सबसे ताकतवर नेतृत्व आदरणीय बहन जी और देश की सबसे बड़ी पार्टी, जिसकी जड़ें ऐसा कोई प्रांत, ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें देश में ना हो, उसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। किसी बात के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो यहीं हॉल में गद्दे बिछाए जाएंगे और यहीं विश्राम किया जाएगा। ये बात हमने आपसे इसलिए कही है कि आप सहज हो जाएं, कंफर्टेबल हो जाएं। नई सरकार बनने में यदि वास्तविक रूप से कहा जाए तो 600 घंटे का समय मात्र बचा है। दिवाली आप निकाल दीजिए, कुछ करवा चौथ का त्यौहार पड़ेगा वो निकाल दीजिए, कुछ एक दिन व्यक्तिगत तबीयत खराब है, बच्चे की तबीयत खराब है, स्वयं की खराब है वो निकाल दीजिए, अति आवश्यक कार्य हो जाते हैं वो निकाल दीजिए, तो कार्य करने के लिए 50 दिन बचे हैं। और एक दिन में हम लोग इतने बड़े महाबली नहीं हैं, अधिक से अधिक सीमा लगाएंगे, पूरी ताकत लगा देंगे तो 12 घंटे काम कर सकते हैं। तो 12 × 5 हुआ 600 घंटे मात्र बचे हैं। अब दिन और हफ्ते महीने की बात नहीं है, घंटे की बात है। साथियों, कुछ साथी करीब 2 साल बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद सब जगह पहुंचना नहीं हो पाया। गाजीपुर से जो साथी आए हुए हैं, बलिया से जो साथी आए हुए हैं, लखीमपुर के कुछ साथी आए हुए हैं, महोबा से कुछ साथी आए हैं, जालौन उरई से कुछ साथी आए हुए हैं, लगभग 10 मंडलों के साथी हम लोग यहां पर होंगे। कुछ साथियों की ट्रेन का शेड्यूल था तो वो रात तक पहुंच जाएंगे। आपके अपने साथी हैं, नमस्कार कर लीजिएगा जैसे भी आपकी बातचीत बने। हम बात को आगे बढ़ाएं, चूंकि 2 साल बाद बहुत से साथियों से नमस्कार हो रही है। हम लोग पहले अपनी बात, अपने मिशन को दोहरा लेते हैं और अच्छे से हम सभी मुतमईन हो जाते हैं कि जिस मिशन को हम चला रहे थे, हम सभी लोग मिलकर पूरे प्रदेश में चला रहे थे,
हम लोगों से बहुत पहले बसपा उस मिशन को चला रही है। बहुजन समाज पार्टी से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, ये बात हम बार बार पहले भी कहते रहे हैं कि पूरे देश, उत्तर प्रदेश अकेले नहीं, पूरे देश भर में दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज का, खासकर यदि कोई भी व्यक्ति बोल रहा हो, छोटा हो, बड़ा हो, पूर्व मंत्री हो, वर्तमान मंत्री हो, छोटा संगठन चला रहा हो, बड़ा संगठन चला रहा हो, राजनीतिक दल चला रहा हो, सामाजिक संगठन चला रहा हो, कोई भी व्यक्ति बोल रहा होगा तो वो बदौलत बहुजन समाज पार्टी बोल रहा होगा। आप तस्दीक कर लीजिएगा हमारी बात की। हम लोग और सहज हो जाएं, क्योंकि 600 घंटे का समय बचा है। अपनी बात को दोहराते हैं, दोहराने के पहले हम लोग अपने मन को फिर से एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। और इस बात को समझते हुए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे हम ही हो, आप हो, कोई भी व्यक्ति यदि रोड से जा रहा है और रोड पर सोना पड़ा हुआ है, रुपया पड़ा हुआ है, और वो व्यक्ति कुछ सोचते हुए जा रहा है, कुछ भी उसके दिमाग में चिंतन चल रहा है, किसी बात की टेंशन है अथवा किसी बात की खुशी है, अगर सोचते हुए कुछ भी कोई व्यक्ति रोड से जाएगा और सोना और रुपया पड़ा रहेगा उस रोड पर, तो उसको वो दिखाई, पक्की बात है। जो व्यक्ति एकाग्र होकर जाएगा, देखता हुआ एक एक पक को जाएगा, उसको वो सोना और रुपया दिखाई पड़ जाएगा, उसको वो प्राप्त कर लेगा। जब प्राप्त कर लेगा तो हम लोग कहते हैं इसकी किस्मत बहुत तेज है, ये किस्मत का बहुत धनी। बिल्कुल ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। अक्सर हम लोग देखते हैं हमारी कक्षा में पढ़ने वाला, हमारे साथ मोहल्ले में रहने वाला, हमारे घर के बगल में रहने वाला, बल्कि हमारे घर का ही चचेरा, ममेरा, हो सकता सगा भी हो, वो जीवन में बहुत आगे निकल जाता है और हम लोग वहीं की वहीं रह जाते हैं। होता है ना, हम लोग कहते हैं अरे भाई यही तो था, आईएएस हो गया, फलाना हो गया, मंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, टाइकून हो गया। क्यों? हर एक के सामने से वो तरीका निकलता है जो उसको फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचा सकता है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। देखने के लिए बहुत एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है, और हर व्यक्ति के सामने से वो तरीका, वो रास्ता निकलता है। इसलिए मन को एकाग्र करें। हो सकता है आपके सामने से वो रास्ता, वो तरीका बार बार निकल रहा हो, आप ना देख पा रहे हो। ये बात हमने यहां से बोली है, बावजूद इसके हम में से बहुत से साथी ऐसे होंगे जिनको अभी खेत की चिंता होगी, घर की होगी, दुकान की होगी, किसी के घर में कोई खुशी की बात होगी, अभी दिमाग में चल जरूर रहा होगा, किसी को बिटिया की शादी की यहां भी बैठ के चिंता हो रही होगी। ये बोलने के बावजूद आप बार बार एकाग्र करेंगे, मन आपका वहां ले जाएगा, चाहे खुशी की बात पे ले जाए, चाहे दुख की बात पे ले जाए। और कमाल की बात यह है, जब आप यहां बैठेंगे तो आपको खेत, घर और दुकान की चिंता हो रही होगी, और जब आप खेत पे बैठेंगे तो आपको यहां की चिंता होगी, तब आप खेत पे एकाग्र नहीं कर पाएंगे। जब आप घर पे बैठेंगे तो दुकान की होगी, दुकान पे बैठेंगे तो खेत की होगी, और खेत पे बैठेंगे तो यहां की होगी। प्रयास करिए, जहां पर रहें पूरी एकाग्रता से रहें। तैयार हैं? बात को आगे बढ़ाया जाए। कौन कौन साथी अपने आप को एकाग्र कर चुका है जरा फिर से बता दें, तो मोबाइल अपने आप स्विच ऑफ हो गए होंगे, क्योंकि आजकल एकाग्रता भंग करने के लिए सबसे ज्यादा बड़ा साधन तो बहुत खतरनाक। साथियों, हम लोग जल्दी दोहरा लेते हैं, बहुत कम समय हम लेंगे आपका। साहब बैठे हुए हैं, सभी आदरणीय वरिष्ठ साहब बैठे हुए हैं, हम में से कोई भी व्यक्ति, बल्कि यूं साफ शब्दों में कहा जाए, बहुत सरल शब्दों में हम पहुंचाने का फिर से प्रयास करते हैं, धरती पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक, रात दिन, ताउम्र, पूरे जीवन भर
जो भी काम करता है केवल और केवल तीन चीजों के लिए करता है। किस किस बात के लिए? सुबह से लेकर शाम तक हम लोग जो भी काम करते हैं इसलिए काम करते हैं कि समाज में, घर में, परिवार में, गांव में, घर में हमको कुछ इज्जत और सम्मान प्राप्त, इसीलिए काम करते हैं ना हम। और प्रयास ये भी करते हैं ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारा सम्मान और इज्जत चली जाए, सुबह से लेकर शाम तक, रात दिन, पूरे जीवन भर। सुबह से लेकर शाम तक, रात दिन, पूरे जीवन भर इसलिए काम करते हैं कि हमको कुछ पैसा प्राप्त हो जाए, कुछ आर्थिक उन्नति हमारी हो जाए। सुबह से लेकर शाम तक, रात दिन, ताउम्र, पूरे जीवन भर प्रत्येक व्यक्ति केवल इसलिए काम करता है कि हमारे पास कुछ ताकत हो जाए, कम से कम इतनी ताकत तो हो जाए कि बगैर हमारी इजाजत के, हमारी देरी, हमारी चौधरी पर कोई चढ़ ना सके, हमारे बच्चों, हमारे बेटी, हमारे परिवार से कोई अबे तबे करके उंगली उठा के बात ना कर सके। कम से कम इतनी ताकत तो हमारे पास हो जाए, इसलिए रात दिन काम करना है। बात कच्ची है कि पक्की है? यकीन मानिए केवल इन तीन चीजों के लिए काम होता है, इज्जत कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और ताकत कमाने के लिए। चौथी किसी भी बात के लिए काम नहीं होता है। चौथी चीज जो होती भी है अक्सर तजुर्बे में आया है कि मोच। इन तीनों चीजों को भरपूर ताकत में प्राप्त करने के बाद यदि त्याग दिया जाए तभी मोच की प्राप्ति होती है, अन्यथा मोच की प्राप्ति उस बात को छोड़ ही दीजिए। ये उनके लिए बातें हैं जिन्होंने भरपूर ताकत में इन तीनों चीजों को प्राप्त, ये हमारे आपके लिए नहीं। हम तो आप केवल तीन चीजों के लिए, इज्जत के लिए, पैसे के लिए और आर्थिक उन्नति, इसको